नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। संचारी रोग नियंत्रण को लेकर लखनऊ के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फैजुल्लागंज वार्ड तथा जानकीपुरम में वृहद स्तर पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा के साथ जानकीपुरम द्वितीय वार्ड की महिला परिषद राजकुमारी मौर्य, जानकीपुरम तृतीय वार्ड के पार्षद दीपक लोधी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं जानकीपुरम थाने से लेकर 60 फीटा रूट तक बृहद रूप से साफ सफाई अभियान चलाया गया। विधायक नीरज बोरा ने साफ सफाई के मामले पर नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि साफ सफाई का कार्य नहीं रुकना चाहिए। सुनिए। सर, आज आपके उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर के जो जिस तरीके से जागरूकता रैली निकाली गई, कौन सी जगह है और क्या क्या यहाँ पे कार्य हो रहा है? ये तो आज अभियान चल रहा है, ये स्वच्छता के साथ साथ डेंगू जो इस समय पनप रहा है अपने लखनऊ ही नहीं पूरे देश और दुनिया में डेंगू के मरीज हैं और डेंगू पर नियंत्रण हो इसके लिए उत्तर प्रदेश के तपस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुभारंभ किया हुआ है और आज इस विधानसभा के इस जानकीपुरम के क्षेत्र में और फैजुल्लागंज के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सघन अभियान प्रारंभ किया गया है, जहां पर सफाई से लेकर एंटी लार्वा का छिड़काव हो, ड्रोन के माध्यम से छिड़काव हो, मशीन के माध्यम से छिड़काव हो, मैनुअल छिड़काव हो और फॉगिंग की व्यवस्था हो, नई मशीनों के साथ लैस करके हर कोने कोने क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में एक सघन अभियान चलाया जाएगा जिससे कि डेंगू का लार्वा पनप ना पाए और हम इस क्षेत्र को डेंगू जैसी महामारी से मुक्त कर सकें। और हम इसके लिए प्रशंसा करेंगे सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की, बाकी सब लोग गंभीरता से संवेदनशीलता के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं और हमें लगता है डेंगू हारेगा, हम जीतेंगे। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता रितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।